हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट रेगुलेशन एंड रेगोलेशन 1970 की दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रेगुलेशन है और इंडियन जो इंडस्ट्रीज़ है जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप या नॉन सर्विस सेक्टर बेसिकली तो उनमें जो आज के डेट में जो काम होता है और जो लो अप्लाई होता है उनके ऊपर जो थर्ड पार्टी जिसको हम बोलते हैं थर्ड पार्टी एम्प्लॉई उनके ऊपर जो लो एम्प्लॉय होता है बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट रेगुलेशन एंड रेगुलेशन नाइनटीन है तो दोस्तों जानते हैं इस लो के क्या बेसिक फीचर्स हैं और क्या क्या जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है इस वीडियो को हमने लगभग तीन से चार पार्ट में हमने बनाया है और सबसे पहले हम इसके बेसिक्स के बारे में जानेंगे और क्या क्या इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है ताकि आप इस रेगुलेशन को बारे में आगे जानें तो उससे पहले इनका बेसिक्स पता होना चाहिए तो दोस्तों शुरू करते हैं एज ए चेकलिस्ट हमने कुछ दस पॉइंट इसके रेडी किए हैं सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये कि द दस्टैब्लिशमेंट इन द फर्स्ट इंस्टेंस मस्ट इंश्योर दैट दे हैव गो ए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द अथॉरिटी एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन सेवन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट नाइनटीन बिफोर प्रोसीडिंग टू एंगेज द कॉन्ट्रैक्ट लेबर तो दोस्तों इसका सीधा सीधा मतलब ये है अंडर सेक्शन सेवन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में ये बताया गया है कि uh, आपके पास एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए तो जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मान लीजिए जो कंपनी है जिसके यहाँ पे काम होना है तो उनके पास एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए और उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में uh, Uh, आपको परमिशन मिलेगी कि आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर uh, को जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंतर्गत जिसके पास लाइसेंस हो वो उसको आप इंगेज कर सकते हो अपने यहाँ पे काम दे सकते हो एज ए थर्ड पार्टी का जो अगली जो जो रिक्वायरमेंट है द द्टेब्लिशमेंट मस्ट इंश्योर दैट दे इशू सर्टिफिकेट इन फॉर्म फाइव टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर ऑब्टेनिंग लाइसेंस एज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन ट्वेल्व ऑफ द एक्ट ई मतलब ये कि एक फॉर्म फाइव होता है वो uh, जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उन्हें इशू करना होता है कॉन्ट्रैक्टर को और उसके बेसिस पे उनको लोकल अथॉरिटीज से स्टेट अथॉरिटीज से परमिशन चाहिए होती है बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर को कि वो एक एक्स वाई जेड कंपनी लिमिटेड जो एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है यहाँ पे उसको परमिशन है कॉन्ट्रैक्ट लेबर प्रोवाइड कराने की उसमें सारी स्पेसिफिकेशन रहेगी क्या क्या आपको काम uh, उन कॉन्ट्रैक्ट लेबर से करवाया जाएगा कितनी उनकी ड्यूटी रहेगी और कितने नंबर्स मैक्सिमम रहेंगे तो बेसिकली ये तीन चार चीज़ें उसमें गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेट और परमिट की जाएगी अगली चीज़ ये है कि इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट द कॉन्ट्रैक्टर हु इज़ इम्प्लॉइंग मोर दैन ट्वेंटी परसेंट हैज़ ए वैलिड लाइसेंस इशूड इन हिज़ नेम बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी एज़ प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट मतलब ये बीस से ज़्यादा यदि कोई कॉन्ट्रैक्टर किसी वर्क फोर्स को एंगेज करता है किसी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के यहाँ पे तो उसको भी कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस चाहिए होगा द पेमेंट ऑफ वेजेस टू द एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयड बाय द कॉन्ट्रैक्टर इज डिस्पर्स टू हिज इम्प्लॉयज़ बाय द कॉन्ट्रैक्टर हिमसेल्फ और हिज़ नॉमिनी एंड प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैज़ टू डिप्यूट हिज रिप्रेजेंटेटिव टू प्रेजेंट एंड साइन पेमेंट तो जब पेमेंट की जाएगी जब पेमेंट की जाएगी उन कॉन्ट्रैक्टर लेबर्स की तो प्रिंसिपल एज़ पर लो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे होना चाहिए और ये अभी तो खैर अभी चेंज हो गया है कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है नॉमिनी को जो एम्प्लॉई है उसके नॉमिनी या उसके पर्सनल अकाउंट में और ये एक अंडरटेकिंग लेनी भी है कॉन्ट्रैक्टर से प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को कि उन्होंने सारी पेमेंट कर दी है इसके बाद अगला जो जो चेकलिस्ट चेक पॉइंट है वो ये कि देयर शुड नॉट बी एनी सुपरविज़न एंड कंट्रोल बाय द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर की रेगुलेंस रेगुलेशन को इफेक्ट कर सकता है इसमें यह कहा गया है कि साफ साफ पे कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर है जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर अंडर के एम्प्लॉ आता है कोई भी अंडर में आता है तो उसको किसी भी टाइप का सुपरवाइज सुपरविज़न प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के थ्रू नहीं होगा नहीं होगा मतलब किसी भी टाइप का नहीं होगा मतलब उसको कोई भी काम डिसाइड करना तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का सुपरवाइज़र आएगा कोई भी अगर छुट्टी देनी है तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का सुपरवाइजर आएगा उसका कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है तो कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइज़र आएगा उसका इंटरव्यू करना है तो कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइज़र के थ्रू होगा इसमें कम प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का कोई भी रोल नहीं होना चाहिए अगर वो रोल होता है तो पूरा ही खेल बिगड़ जाएगा अगली चीज Uh, इसी से रिलेटेड है कि डिसिप्लिन ऑफ द एम्प्लॉयज़ और द कॉन्ट्रैक्टर इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़ मस्ट भी रेगुलेटेड बाई कॉन्ट्रैक्टर हाँ ये मैंने बताया भी डिसिप्लिन भी कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइजर के थ्रू ही रेगुलेट होना चाहिए डायरेक्ट इंटरफेरेंस प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की तरफ से नहीं होना चाहिए लीव भी नहीं दे सकते हैं अगर लीव भी देनी है किसी भी uh, ली ओ डी गेट पास किसी भी टाइप का अगर दे रहे हैं कुछ भी परमिशन दे रहे हैं तो वो ओनली एंड ओनली फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर से ही जाएगी इसके अलावा नो एडवांस बी पेड बाय द कोई भी एडवांस किसी भी टाइप का पैसा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को नहीं पेना है मतलब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का और थर्ड पार्टी लेबर का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होना चाहिए बीस पर कॉन्ट्रैक्टर होना ही चाहिए और कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू या उसके सुपरवाइजर के थ्रू ही की जाएगी यदि अगर डायरेक्ट किसी भी पॉइंट पे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इंगेज होता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर के थ्रू तो इसका मतलब ये समझा जाएगा एज़ पर लो कि वो एक कंपनी का रेगुलर एम्प्लॉई है तो यहाँ पे सारा लो चेंज हो जाएगा तो दोस्तों आपको ये चीज़ बहुत ही गहराई में ध्यान रखनी है इसके अलावा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्टर की वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को ही ध्यान रखनी है जैसे उनको कुछ रजिस्टर मेंटेन कर रहे होते हैं जैसे मस्टर रोल पीएफ रजिस्टर ई एस रजिस्टर डिडक्शन रजिस्टर फाइन रजिस्टर ये डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर है अभी फुर्सत तो में इस बारे में बात करेंगे बहुत सारे रजिस्टर हैं ये मेंटेन करने होते हैं और एम्प्ल एम्प्लॉयर को चाहिए कि वो सारे रिकॉर्ड्स को जाँचे परखे पूरे हैं कि नहीं है कहीं भी पॉइंट पर कोई मिस हैपनिंग तो नहीं हो रही है इसके अलावा पी और एस रूल भी अप्लाई होंगे कॉन्ट्रैक्टर लेबर पे और उसको कॉन्ट्रैक्टर के पास अपना अलग पी एफ से लाइसेंस होना चाहिए अगर कॉन्ट्रैक्टर के पास पी एफ से लाइसेंस नहीं है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर भी चलान के थ्रू ये पैसा एम्प्लॉय के जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लेबर के एम्प्लॉय है उनके अकाउंट में डलवा सकता है ग्रेचुअटी एक्ट भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर लेबर पर अप्लाई होगा तो मतलब ये ये जान लेते हैं कि कौन कौन से लॉ अप्लाई होंगे कॉन्ट्रैक्ट लेबर के ऊपर तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट लेबर के ऊपर सभी वो लॉ अप्लाई होंगे जो एक रेगुलर एम्प्लॉय के ऊपर अप्लाई होते जैसे फैक्ट्री एक्ट बोनस एक्ट मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ई एक्ट पी एक्ट आ, बोन पेंशन एक्ट क्रेचुअटी एक्ट हर वो एक्ट जो एक नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए बने हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी वो बेनिफिट देने के लिए बाध्य है कौन कॉन्ट्रैक्टर बाध्य है लेकिन ये सारे इंश्योर और इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को ये इंश्योर करना है कि थ्रो कॉन्ट्रैक्टर जो थर्ड पार्टी रोल का जो एम्प्लॉई उनके यहाँ पे काम कर रहा है उसको ये सारे बेनिफिट दिए जा रहे हैं नहीं दिए जा रहे तो दोस्तों ये था इसके बारे में बेसिक्स जो आपको जानने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के जो अगला हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा असेंशियल इन्ग्रीडियंट्स इंग्रीडियंट्स ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एंड द कॉन्ट्रैक्टर तो एग्रीमेंट जो बनेगा और उसके क्या क्या बेसिक्स इन्ग्रीडियंट्स रहेंगे ये हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे इसके अलावा दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें इसके अलावा मैं अपने टेलीग्राम टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है उसके बारे में लिंक मैं आपको दे रहा हूँ उसका लिंक और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाए थैंक यू है दोस्तों थैंक यू वेरी मच